गर्भवती सीमा अपने सास के लिए किचन में खाना बना रही थी। वो खाना बना रही थी कि तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी अचानक से वहां किचन में सीमा की ननद पूजा आती है। जब वो अपनी भाभी को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है तो वो जल्दी से अपनी माँ के कमरे में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी माँ आराम से बिस्तर पर सो रही थी। ये सब देखकर पूजा अपनी माँ को बहुत डांटती है और फिर जल्दी से अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी भाभी सीमा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जिस घर में पता चलता है कि घर की बहू प्रेग्नेंट है तो उस घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। ऐसा ही कुछ सुनीता के घर में होता है। मेरे तो कान ही तरस गए थे ये खबर सुनने के लिए। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली, अब इस घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। माँ आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन सीमा और उसका बच्चा भी कमजोर है, इसलिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने तुम दोनों भाई बहन को अकेले ही पाला है। देख बहू, अभी एक दो महीने तुझे अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है, इसलिए तुझे घर का कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा जाकर आराम कर ले। सुनीता को जब से ये पता चलता है कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है, तब से वो उसका बहुत ख्याल रख रही है। देखते देखते सीमा को सातवां महीना लग जाता है। तब सातवें महीने में सुनीता सीमा से कहती है, देख बहू, शुरुआती के कुछ दिनों में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब तो तुझे सातवां महीना लग गया है, इसलिए अब तुझे घर का काम करना चाहिए, वरना डिलीवरी के समय दिक्कत होगी। पर माँ जी, डॉक्टर ने बताया है कि मेरा बच्चा उल्टा है और वो बहुत कमजोर है, इसलिए उन्होंने मुझे घर के काम करने के लिए तो साफ साफ मना किया है। देख, तुझे डॉक्टरों की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के डॉक्टर तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, और अगर ऐसे समय में तू काम नहीं करेगी तो बच्चा होने में तुझे परेशानी नहीं होगी क्या है? और अभी तू आराम करेगी, फिर बाद में तुझे मुसीबत होगी। और डॉक्टरों का क्या है, उनको तो ऑपरेशन आसान पड़ता है। सीमा अपनी सास को कुछ नहीं कह पाती और अपनी सास की बातें चुपचाप सुनती रहती है। सीमा की सास उससे ऐसे समय में भी घर के सारे काम करवाती है जब सीमा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती है या फिर उसे उल्टियां हो रही होती हैं तो। अरे बहू, जब ठीक से खाएगी पिएगी नहीं तो उल्टियां कैसे बंद होंगी? और जब पूरे दिन बिस्तर पर लेटी रहेगी तो तबीयत तो खराब होनी है। तभी तो कहती हूँ कि घर के काम किया कर, जा जाकर पोंछा लगा ले। पर माँ जी, अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर बाद पोंछा लगा लूँ क्या? अरे अगर तू ऐसे बहाने करेगी तो कैसे काम चलेगा? अभी कुछ दिनों बाद तेरा आठवां महीना लग जाएगा और फिर देखते देखते नौ महीने पूरे हो जाएंगे। अरे मैं तेरी सास हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। सुनीता अपनी बहू का दर्द नहीं समझती और जबरदस्ती उससे घर के सारे काम करवाती है। सीमा बेचारी जैसे ही पोंछा लगाने जाती है, वैसी वहाँ उसकी ननंद पूजा आ जाती है। और जब वो अपनी भाभी को इस हालत में काम करते हुए देखती है तो वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप ये क्या कर रही हो? आप प्रेग्नेंट हो और आप ऐसे समय में भी काम कर रही हो। क्या आपको डॉक्टर ने बताया नहीं कि ऐसे समय में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करते हैं? और आप हो कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर की सफाई कर रही हो। मैं ठीक हूँ दीदी, और वैसे भी माँ जी ने बोला है कि ऐसे समय में काम करना अच्छा होता है। माँ ने क्या कहा आप सब भूल जाओ, और आज से आप सिर्फ मेरी सुनोगी। आप घर का कोई भी काम नहीं करोगी और सिर्फ आराम करोगी। चलो जाकर अपने कमरे में आराम करो। पूजा अपनी भाभी को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है, पर सुनीता देखती है कि अभी तक घर का काम नहीं हुआ है, तो वो अपनी बहू पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखकर पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हो? भाभी का बीपी लो है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उन्हें आराम करने दो। हे भगवान, ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है,
और पूजा बेटा ऐसे समय में तो काम करना अच्छा होता है, और तू है कि बहू को आराम करने के लिए कह रही है। वैसे भी वो काम चोर काम देखकर बहाने बनाने लग जाती है। कभी उसे उल्टी होती है तो कभी उसे चक्कर आते हैं, तो कभी उसका बीपी लो हो जाता है कभी कुछ, और तू है कि उसी का साथ दे रही है। माँ भाभी प्रेग्नेंट है, वो घर का कोई भी काम नहीं करेंगी। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते मैं आ गई, नहीं तो आप जो खुशियाँ मनाना चाहती हो वो आपकी खुशियाँ अधूरी रह जाती। अब जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं ही आपके घर का सारा काम करूँगी और भाभी कुछ भी नहीं करेंगी। पूजा अपनी भाभी के दर्द को समझती है, इसलिए वो अपनी भाभी के लिए लड़ती है और उसके घर का सारा काम भी करती है। अपनी ननंद को अपने लिए लड़ता देख सीमा उससे कहती है, दीदी आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हो। इतना एक बहन भी अपनी बहन के लिए नहीं करती जितना आप मेरे लिए कर रही हो। इस घर में आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरे दुख को समझे। भाभी अब आप फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके दुख को अच्छे से समझती हूँ। आपका बच्चा बहुत कमजोर है और ऐसे समय में आप घर के काम कर रही हो। एक प्रेग्नेंट लेडीज को उठने बैठने खाने पीने सोने में कितनी परेशानियां होती हैं, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। इसी तरह पूजा अपनी भाभी के साथ अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी रहती है। ये सब देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो ननंद भाभी को अलग करने के लिए अपनी समधन को फोन कर देती है। और फिर सुनीता के कहने पर उसकी सास पूजा को झूठ मूठ का कहकर घर बुला लेती है। माँ जी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी माँ ने कहा था कि मैं तुझे झूठा बहाना करके तबीयत का घर बुला लूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरी माँ ने ऐसा क्यों कहा। माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आज से कुछ साल पहले माँ की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया और उसकी सजा में आज तक भुगत रही हूँ। अब मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती और माँ भाभी के साथ भी वही सब कर रही हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब पूजा को पता चलता है कि ये सब उसकी माँ ने किया है तो वो तुरंत अपने मायके जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी भाभी दर्द से बेहोश पड़ी हुई है और उसकी माँ आराम से सो रही है। माँ तुम आराम से कैसे सो सकती हो, वहाँ भाभी डिलीवरी पेन से बेहोश पड़ी हुई है और तुम आराम से सो रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया, तुमने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे मायके बुलाया और जो हाल भाभी का है वही तुमने मेरे साथ किया। तुम्हारी वजह से आज मैं माँ भी नहीं बन सकती। अगर ये सब भाभी के साथ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। क्या बहू को दर्द हो रहा है, पर अभी तो उसका 8-9 महीना चल रहा है, इतनी जल्दी प्रसन्न दर्द कैसे हो सकता है? ठीक वैसी माँ जैसे 7वें महीने में मुझे हुआ था। ये सब कुछ आपकी लापरवाही और जिद की वजह से होता है। आपने मेरी भी हालत कभी नहीं समझी और मुझसे ये कहकर घर के सारे काम करवाए कि बच्चा नॉर्मल होगा। यहाँ नॉर्मल होने की बात तो दूर, मेरा तो बच्चा ही मरा हुआ पैदा हुआ था। और अब मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती और वही गलतियाँ भाभी के साथ भी कर रही हो। माँ अगर भाभी और उनके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं आपको इस बार कभी माफ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो भाभी के साथ भी हो। पूजा अपनी माँ को चेतावनी देकर अपनी भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उसे और उसके बच्चे को बचाते हैं। ये सब देखकर सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है, पर पूजा एक बार फिर अपनी माँ को वही गलती दोहराने के लिए कभी माफ नहीं करती। मोहन नाम का एक आदमी सुनीता के घर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए आता है। जब वो सुनीता को कार्ड देता है तो सुनीता उससे कहती है, अरे नहीं नहीं मोहन, हम तो नहीं आ रहे तेरी बेटी की शादी में इतनी दूर इतना खर्चा करके। पता है हमें तेरी बेटी के लिए महंगे महंगे तोहफे भी खरीदने पड़ेंगे, हमारे पास कहाँ इतने पैसे, इसलिए तू यहाँ से चला जा। सुनीता की ये बात सुनकर मोहन मनी मन हंसने लग जाता है। तभी वहाँ सुनीता की बहू शिवानी आ जाती है। अरे माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हो उनके सामने,
हम दोनों चलेंगे ना इनकी बेटी की शादी में। तू चुप कर, तू तो हर समय खाने की भूखी बैठी रहती है, भुक्कड़ कहीं की। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी मोहन वहाँ से भाग जाता है। फिर शाम को रामू सब्जी वाला आता है, तब शिवानी सब्जी खरीदने आती है तो रामू उससे कहता है, अरे भाभी जी आज वो कंजूस बुढ़िया सब्जी लेने के लिए नहीं आई है। अरे रामू भैया आप उस कंजूस बुढ़िया के बारे में बात मत कीजिए। शिवानी की ये बात उसकी सास सुनीता उसके पीछे खड़ी सुन लेती है, तभी वो उसके पास आती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और बिस्तर पकड़ लेती है। शिवानी की सास सुनीता को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था और साथ ही वो लोगों को नीचे दिखाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ये लीजिए बाबा जी आप आराम से बैठकर खाइए। भगवान तेरा भला करे बेटी, बस अब तू मुझे एक गिलास पीने के लिए पानी भी दे दे। हाँ आप रुकिए बाबा जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे पानी ही क्यों, पूरा घर ही उठाकर दे दे इस भिखारी को। अरे माँ जी ये बाबा बूढ़े होने के साथ साथ काफी गरीब भी हैं, तो हमें ऐसे गरीब और मजबूर लोगों की तो हमेशा मदद करनी चाहिए। अरे बहू तू मुझे मत सिखा, मैं तुझसे ज्यादा दुनिया देखकर बैठी हूँ। अरे इस शहर में लूले लंगड़े गरीब और भिखमंगों की कमी नहीं है, अगर मैं तेरी तरह सबको मुफ्त में खाना देने लग गई तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। क्या माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे बहू एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे बाप की यहाँ मुफ्त में राशन आता होगा लेकिन मेरे यहाँ नहीं, और तू बुड्ढा यहाँ खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है, चल भाग यहाँ से। शिवानी बहू तू जल्दी से घर के अंदर चल। फिर सुनीता अपनी बहू को लेकर अंदर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, नमस्ते सुनीता भाभी जी कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते मोहन, आज मेरे घर कैसे आना हुआ और वो भी इतने दिनों बाद। अरे भाभी जी अगले महीने मेरी छोटी बेटी की शादी है और मैं उसी का कार्ड देने के लिए आया हूँ। जे लीजिए शादी का कार्ड, आपको अपने पूरे परिवार सहित आना है। हे भगवान अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बेटी की शादी में इतनी दूर आएं और फिर उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाएं। अरे तुम्हें पता भी है कि इधर से उधर से आने जाने में कितना खर्चा हो जाएगा। अरे भाभी जी भला कोई अपने रिश्तेदारों से ऐसे बात करता है क्या? सही बात है माँ जी, आप ऐसे बातें क्यों कर रही हो? अरे बहू तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे रिश्तेदारों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये लोग ना सिर्फ पैसे के रिश्ते को मानते हैं। हाँ अरे सुनीता भाभी आपने तो इस बार कुछ ज्यादा ही हद कर दी, मैं अपनी यहाँ पर बेइज्जती करवाने के लिए तो नहीं आ जाऊँ। हाँ तो जाइए ना, किसी ने आपको फोन करके तो नहीं बुलाया था? अच्छा तो चलता हूँ भाभी जी, लेकिन याद रखना इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है। मोहन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अरे बहू एक कप जरा चाय तो ले आ, शिवानी मुंह बनाकर कहती है। हाँ माँ जी लाती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बड़ी देर हो गई शिवानी बेटी, तेरी सास अभी तक नहीं आई। जी वो अभी आती होंगी। तभी सुनीता वहाँ आ जाती है। ये लो आ गई माँ जी। अरे सीमा तू बड़े दिनों के बाद आई है, बता क्या बात है? बड़ी परेशानी में हूँ सुनीता, रोहन के पिता की तबीयत खराब है और हमारे डॉक्टर ने तो उन्हें बड़े शहर में दिखाने के लिए कह दिया है, तो तुम कुछ पैसों की मदद कर देती तो। अच्छा तो पैसे मांगने आई है? हाँ सुनीता बहन। सीमा तू मुझे माफ कर दे, मैं रिश्तेदारी में पैसों का व्यवहार नहीं करती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता बहन, बुरे वक्त में तो अपने ही काम आते हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे वाह पैसे हैं तो क्या तुम लोगों में बांट दूं?
लगता है तू भूल गई सुनीता, जब तू अपने गरीबी के दिन काट रही थी तब मेरे पति ने तेरे बच्चों का खर्च उठाया था और उन्हें कितना प्यार करते थे, ये तू तो जानती है ना। देख लो बहू, ऐसे लोग रहते हैं, कभी भूले भटके जिंदगी में मदद कर दी तो उसका ताना देते हैं। और एक बात बता, छोटे बच्चों को कौन प्यार नहीं करता हैं? माफ कर दे सुनीता, मैंने गलती कर दी तेरे पास आकर, क्योंकि अब तू पहले जैसी नहीं रही है। चलती हूँ मैं, बहू जरा मुझे बाहर तक छोड़ देना। बड़ी आई थी एहसान जताने वाली। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शाम को सब्जी वाला आ जाता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आलू है, लौकी है, तोरई है, बैगन है, भिंडी है। भैया ये आलू क्या हिसाब दिए हैं? आइए आइए भाभी जी। अच्छा तो आज आप आइए सब्जी लेने। देखिए भाभी जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी सास तो बड़ी कंजूस है। जाने दीजिए भैया, अपना अपना स्वभाव है, ये लीजिए आप अपने पैसे। अरे बहू, उस रामू सब्जी वाले से इतनी देर से तू क्या लपड़ चपड़ कर रही है? ये कहकर सुनीता अपनी बहू के पास आ रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता और वो नीचे गिर जाती है। अरे बाप रे, मर गई रे, आ मेरी कमर। फिर किसी तरह शिवानी अपनी सास को बिस्तर पर लेकर आती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उन्हें पूरी तरह बिस्तर पर आराम करने की सलाह देकर चला जाता है। अरे बहू, अब तो लगता है कि मैं तो किसी काम की नहीं रह गई। अरे माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं, कुछ दिनों में आप पूरी तरह ठीक हो जाओगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिवानी अपनी सास की सेवा में लगी हुई थी और सुनीता के मन में तो ये बात खटक रही थी कि कोई भी उसका जान पहचान का और कोई भी उसका रिश्तेदार उसे देखने तक नहीं आया। अरे क्या जमाना आ गया है, आजकल के लोग कितने मतलबी हो गए हैं कि किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? क्या बताऊं जी, जब से मेरी कमर टूटी है अड़ोसी पड़ोसी या मेरा कोई रिश्तेदार मुझे देखने तक नहीं आया। अरे तो भाग्यवान, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आज तक तुमने किसी के लिए दो मीठे बोल निकाले हैं जो तुम्हें कोई देखने के लिए आ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगी तो वही व्यवहार दूसरे लोग तुम्हारे साथ करेंगे। और फिर तुम तो इतनी घमंडीली हो गई थी कि किसी को अपने आगे कुछ समझती नहीं थी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी कही हुई बातें सुनीता के मन में घूमने लगती हैं, आंखों से आंसू बहाने लगती है और सुनीता दरवाजे की ओर टकटकी लगाए अपने बिस्तर पर खामोश लेटी रहती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।